नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुकरेति आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने YouTube चैनल टेक शिक्षक में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट के एक बेहतरीन ऑफर के बारे में। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑफर है जिनके पास अपना कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड को मांग के यूज़ करते हैं, तो वो अपना क्रेडिट कार्ड अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो यहाँ पर जाइए, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और फिर ये नीचे एक बैनर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से देखेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो देखिए, ये कार्डलेस क्रेडिट है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है आप अवेल कर सकते हैं 3 मंथ 6 मंथ की EMI के सामान और इंस्टेंट आपको शॉपिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सी पेमेंट ऑप्शंस होंगे, नो डाउन पेमेंट, मतलब आपको उस समय तुरंत कोई पेमेंट नहीं करनी होगी। आपका जो इसका एक लिमिट होगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आप बैंक से लेते हैं उसमें आपको 1 लाख रुपये तक की अगर मान लीजिए लिमिट मिलती है तो आप 1 लाख रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, फिर उसको अगले महीने जमा करते हैं। तो वैसे ही ये आपको एक क्रेडिट लिमिट देगा और उसका एक टाइम पीरियड होगा, उस समय टाइम पीरियड तक आपको उसका पैसा जमा करना होगा फ्लिपकार्ट में। तो ये महीने के महीने होगा, ये प्रोसेसर्स आपको फॉलो करने होंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोसेसर्स है। कह रहे हैं हाउ टू अप्लाई, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा जो ऊपर है, फिर एंटर योर पैन नंबर आधार नंबर, फिर उसके बाद आधार का OTP वेरिफिकेशन कराना होगा, फिर उसके बाद आपकी जो डिटेल्स होंगी उसको चेक करके सबमिट करना होगा प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन, और उसके बाद आपकी जैसे लिमिट ये दिखा रहा है आपको लिमिट मिल जाएगी और ये यूज्ड डिटेल्स आपको दिखाएगा। तो अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर एंटर कर दूंगा, पैन नंबर हो गया एंटर, उसके बाद यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर एंटर करना होगा 12 डिजिट का जो होता है, उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए, अलाउ KYC एंड क्रेडिट चेक, यहाँ पे एग्री और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए नीचे जो दिया गया है। इसके बाद जो आपका आधार नंबर है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे होगा वो एक OTP आएगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। उस OTP को एंटर करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कि सारी डिटेल्स ठीक हैं, आप ही की हैं, कोई डिटेल्स अगर गलत तो नहीं है, उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग होना शुरू कर देगा इतने जल्द समय के अंदर। यू आर एलिजिबल फॉर 60,000 क्रेडिट लिमिट। तो मेरी जो लिमिट है वो हो गई है 60,000 की, ऊपर देखिए आप दिख रहा है आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू रिव्यू, ड्यू डेट मेरी 15 ऑफ द मंथ, हर महीने की 15 तारीख मेरी ड्यू डेट होगी और अगर मैं टाइम पे पे नहीं करता हूँ तो 200 रुपये लेट फीस और 3% ऑफ अनबिल्ड विच इज़ लोअर जो भी होगा वो मुझे लगेगा, 0% ऑन 3 मंथ्स कार्डलेस क्रेडिट EMI, 3 महीने तक की जो मैं चीज़ों को प्रोडक्ट को बाय करूँगा 3 महीने की EMI बनूंगा तो उसके लिए 0% इंटरेस्ट लगेगा, और 6 महीने तक का अगर प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें 25% लगेगा। तो बेहतर है कि आप 3 महीने तक के लिए ही EMI बांधें जिसमें कि आपको 0% इंटरेस्ट लग रहा है। पेंडिंग फ्लिपकार्ट पे लेटर ड्यू अमाउंट भी मूव इन द न्यू क्रेडिट कार्ड डैशबोर्ड, ठीक है। एग्री पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर मतलब चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अपग्रेडेड टू कार्डलेस क्रेडिट। अब मैं जो सामान है वो आराम से खरीद सकता हूँ बिना किसी क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे ऐड किए हुए, उससे पेमेंट किए हुए। अब मेरी क्रेडिट लिमिट जो है वो 60,000 की हो गई है, मैं किसी भी प्रोडक्ट को आराम से खरीद सकता हूँ 3 महीने तक की EMI बिना किसी 0% पे लेके आराम से ये चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको आया पसंद तो उसे लाइक कीजिए, कोई सवाल है सुझाव है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, इसी टाइप की वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल टेक शिक्षक को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।